कदमों से छू के वो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा है हमारे प्रीमियम, तो इस टाइप की वीडियो का जो एडिट करने का जो भी प्रोसेस है, ट्यूटोरियल है, एडिटिंग है, मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया तो आप इस प्रकार की वीडियो को रेट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो जो कि इंस्टाग्राम पे चलती है ट्रेंडिंग में, उनका ट्यूटोरियल मैं लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरी ऐसी ही वीडियो का ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने बिना वक्त गवाए यहाँ पे चलते हैं अपने स्टेप की ओर। सो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली से करना होगा, आपके फ़ोन में एलाइट मोशन एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको सारा का सारा मटेरियल इजीली मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आपको इस प्रकार से मैं अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं। देन यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड इसके जो यहाँ पर आपको साइज़ रखना है 9x16 का रेशियो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन 1080p भी रहता है, तो इसे आपको इतना ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फ्रेम रेट को कुछ इतना आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की इसे आपको यहाँ पे वाइट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी तो आपको जो जानकारी मिलेगी वो प्रॉपर तरीके से होगी, तो यहाँ पे आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैं जो भी PNG यूज करूँगा वो सारा का सारा मटेरियल मैं आपको इजीली दूंगा करने का। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इमेज को यहाँ पे डाउन ऐड कर दिया, जो कि है रोज़ की, यहाँ पे गुलाब की PNG मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। आपको अगर कमेंट करेंगे PNG बना के दे दो तो मैं PNG बना के भी दे दूंगा इजीली। तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको बनाना है। सो गाइस, यहाँ पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको रोटेट पे क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। आपको यहाँ पर इतना रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पे आ जाना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर साइड में इतना आपको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो सिंपली से आपको पहले तो करना ही होगा, इस पर जो भी आप वीडियो को यूज करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है सिंपली से। तो करना क्या है, सिंपल से आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और जो भी आपको यहाँ पर वीडियो आप यूज करना चाहते हैं, तो मैं कुछ इस प्रकार की वीडियो को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली से मैंने यहाँ पर सुन लिया है ऑडियो को। उसके बाद में यहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको रोटेट पे क्लिक करना है। इसे आपको यहाँ पे 90 डिग्री ये राउंड अबाउट यहाँ पे आपको रख देना है। इतना आपको रखेंगे तो ये जो है आपके 9.16 के रेशियो में रहता है, तो ये 16:9 के रेशियो में चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जूम आउट पे क्लिक करना है एंड कुछ इस प्रकार से आपको इसे कम कर देना है। इतना करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है फर्स्ट ऑप्शन पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इतना यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट कर देना है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ पे आपको फिर से आ जाना है कुछ इस प्रकार से। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, इधर पे आपको बीचों बीच में यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल से करना क्या है, ये जो आपकी PNG है, जो आपकी गुलाब की PNG, उसे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में इसी प्रकार से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से डुप्लीकेट पे क्लिक करना है लेयर वाले ऑप्शन पे जाके और ये इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसे नीचे कर देना है। इतना आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस पर सेव को रेक्टेंगल को ऐड करना है, तो देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक कर देना है। इतना करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का रेक्टेंगल आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसे इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे आपको इस रेक्टेंगल को, जो राउंडेड रेक्टेंगल को आपने ऐड किया, उसे आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको जो कॉपी किए हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो आपने वीडियो को ऐड किया उसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्लिक करना है एंड उसके बाद में फर्स्ट में आपको यहाँ पर पहले इसका लेयर्स को सुनना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है मैं कंटिन्यू करता हूँ और लेयर्स को सुनने के बाद यहाँ पर बीट को भी ऐड कर दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर मैंने बीट भी ऐड कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिरिक्स को लिखना है कुछ इस प्रकार से। तो सिंपली से मैं यहाँ पे पहले नोट कर लेता हूँ अपने लिरिक्स को, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो सिंपली से आपको इधर बैक आना है अपनी बीट पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है कुछ इस प्रकार से, कट कर देना है। कट करने के बाद ये जो आपने रेक्टेंगल को यहाँ पे ऐड किया उसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कट कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट करने के बाद जहाँ पर आपको ये जो रेक्टेंगल आपने यहाँ पे लिया इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में आपको कलर एंड फिल पे आना है। यहाँ पे आपको ये जो कलर बॉक्स मिला है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक वाले डिब्बे पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको ग्रे वाला कलर ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे आपको व्हाइट पे क्लिक करना है। इसे आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इस प्रकार से आपको यहाँ पर कर देना है। इतना करेंगे तो ये जो आपका कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिन करना क्या होगा, इधर से आपको इसे इस प्रकार से लेयर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कॉपी लेयर कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको इसे इस प्रकार से डिलीट कर देना है। एंड डिलीट करने के बाद ये जो यहाँ पे रेक्टेंगल है इसे आपको यहाँ पे दोनों को ऐड करना है। राउंडेड रेक्टेंगल एंड जो वीडियो आपकी है उसे आपको यहाँ पे ऐड करना है। एंड यहाँ पे आपको ग्रुप एंड मार्क्स पे क्लिक करना है। एंड आपका जो वीडियो कुछ इस प्रकार से आ गया उस पर आपको वहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। आपका जो वीडियो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद में इस पर अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आपको वीडियो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे मून ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी वीडियो को इधर पे लेके चले जाना है। तो मैं कुछ इतना यहाँ पे रख दिया हूँ। उसके बाद में वीडियो को प्ले करके एक बार देख ले रहा हूँ। आपको लिरिक्स लिखनी है तो कर लिखना क्या है, जो आपके लिरिक्स के उन्हें आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसका जो इफेक्ट है मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, पहले तो लिरिक्स को लिख ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्लस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो लिरिक्स है कदमों से, तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है। तो करने के सिंपल से आपको यहाँ पे फॉन्ट यूज करना है। तो यहाँ पे आपको रोबोट रेगुलर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग उसे आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ इस प्रकार से ये वाले जो फॉन्ट है फॉन्ट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसका साइज को भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 18 पीटी पे क्लिक करना है इस प्रकार से। और उसके बाद में यहाँ पे आपको साइज भी इस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से इतना ही रखने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, कलर वाले ऑप्शन पर। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे व्हाइट कर देना है। व्हाइट करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। एंड उसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट यहाँ पर करना होगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इतना करने के बाद यहाँ पे आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करने का सिंपली से आपको यहाँ पर इफेक्ट ऐड करना है। यहाँ पर आपको जो कि यहाँ पे घूमते हुए जाता है उसके बाद में बहुत ही स्मूथ तरीके से ये वहाँ पर लगता है। यहाँ पे आपको एक इफेक्ट को ऐड करना है जो कि यहाँ पे बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट जो भी आ जाता है और यहाँ पे घूमते हुए ये लगता है। उसके बाद में आपको करने का मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक की फर्स्ट में ऐड करनी है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक की फिर से ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाली की पर आ जाना है। उसके बाद तो यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से नीचे ले आना है। इसे लाइन के साइड सीधे आपको यहाँ पे लाना होगा, जैसे कि आपका लाइन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसे रखना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की या फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक की ऐड करनी है और यहाँ पे आपको दूसरी की यहाँ पर आपको ऐड करनी है जहाँ पे आपका पहला की लंबली से आपको फर्स्ट वाली की पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको 35 या 30 के राउंड अबाउट यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं इसे 30 पर रख दिया हूँ। उसके बाद में इस वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो बट यहाँ पे वो करने का वो फर्स्ट में आपको पहले तो इस वाले पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आने के बाद कुछ नीचे आपको थोड़ा सा और कर देना है। इतना करने के बाद आपको मैं इसका प्रूव भी दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली से आपका जो यहाँ पे इफेक्ट है प्रॉपर तरीके से लग गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखने हैं इस प्रकार से आपको लिखना है और जो भी आपको यहाँ पर फॉन्ट यूज करना है अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट पे हट यूज करना है तो प्लस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको इमोजी पे इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस करना है। एंड यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है लव का, तो यहाँ पे आप लव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। तो मैं लव पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये वाला जो हर्ट है इसे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर प्रकार से यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो ये मेरा जो हर्ट है यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद में इसका कलर हमें यहाँ पे वाइट रख लेना है। तो इतना करेंगे सिंपली से आपका जो यहाँ पर हर्ट है लग जाता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस पर जो इफेक्ट यूज होगा वही होगा और
फोन से यहाँ पर यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा लेना है। कि कई काफ़ी सारे लोग इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं बता दिया हूँ कि इस तरह का वीडियो भी आपसे बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे लिखना है जो भी टेक्स्ट है, यहाँ पे लिख के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस लेयर जो भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है लेयर पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको फुल जो आपका यहाँ पर जितना भी आपका पार्ट है उस पर आपको यहाँ पे फुल ऐड कर देना है। तो इतना आपको यहाँ पे कर लेना है हर एक लेयर पे। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो इतना जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इधर से आपको करना है वो सिंपली से यहाँ पे आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप एंड मार्क्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मोव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको फर्स्ट पे एक की ऐड करनी है, और यहाँ पे आपको देख लेना कि जितने सेकंड का आपका ये वीडियो है उतने सेकंड के बीच में आपको आ जाना है। इतना यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक मार्क ऐड करना है, और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में चले जाना और एक मार्क यहाँ पे आपको फिर से ऐड कर देना है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा आउट लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में करने को सिंपली से आपको यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली की पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे ये जो आपका वीडियो है, वीडियो को यहाँ पे आपको खींचकर कुछ इस प्रकार से लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर नीचे लाना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ले आना है, और लाने के बाद यहाँ पर आपको कर्व को ऐड करना है। तो कर्व पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर्व को ऐड कर देना है। एंड आपका जो यहाँ पे कर्व है ऐड हो चुका है। उसके बाद में आपको वीडियो के लास्ट में चले जाना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है। एंड यहाँ पे आपको इसे लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ऊपर जाना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतना यहाँ पे आपको रख देना है। उसके बाद में फिर से आपको कर्व पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ से आपको कॉपी कर्व कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट में चले जाना है, और जो आपकी यहाँ पे की है उस पर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट कर्व पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जिसका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, तो यहाँ पे आपको इसे इस प्रकार से क्लिक करना है, ये आपका दूसरे साइड में चला जाता है। उसके बाद में आपका जो वीडियो कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो गया है। तो सिंपली से आपको यहाँ पर करने का वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस पर साइडों देना है। तो करने का सिंपल से आपको यहाँ पे साइडों पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको बीचों बीच पे आ जाना है, तभी आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको इनसाइड सेंटर और आउटसाइड पे क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। मैं इसे ब्लैक कर दे रहा हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आपको इसे कुछ इस प्रकार से इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको कहाँ पर सेंटर पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको इस पर कुछ इस प्रकार से बॉर्डर को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस पर जो साइडो होगा, साइडो को भी आपको यहाँ पर यूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। तो आप जितना चाहें उतना आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख लिया हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद जो आपका इफेक्ट है प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में नाम लिखना होगा। तो लिखना क्या है वो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सिंपल से आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की इमोजी को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ये वाली जो इमोजी है, इमोजी को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पे इमोजी को ऐड कर दिया है। मूव ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, और जूम आउट पे क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। आपको इसे छोटा यहाँ पे कर देना है। एंड यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको बैक करना है, बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे शैडो पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है कुछ इतना, आपको यहाँ पे रख देना है। उसके बाद में इधर से बैक आना है। एंड यहाँ पे आपको इसे फुल वीडियो में अप्लाई करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। एंड इस लेयर को खींच कर इसे नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखने हैं, तो प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको तो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉट देने हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर देना है। एंड यहाँ पे आपको ये वाला लगा सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से इसे आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इतना आप यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऊपर के साइड में रख लेना है। एंड इसका जो कलर है, कलर को आपको यहाँ पे ब्लैक कर देना है। एंड उसके बाद में इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। डन पर क्लिक करना है। एंड इसे आपको यहाँ पे अच्छे से एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद में ये जो आपका यहाँ पर कंप्लीट काम हो चुका है, उसे आपको यहाँ पर ये जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं, इसे आपको यहाँ पर फुल वीडियो में इस प्रकार से अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नीचे कर देना है। आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से, और
यहाँ पर आपको जो दिलूल बनाने का बताया था कि आप ले आप लेयर पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो भाई उसका प्रोसेस बता दिया हूँ अच्छे से। तो करने का सिंपल से आपको आ जाना है नेक्स्ट वाली लेयर पे। तो सिंपल से आपको करना होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको ग्रुप एंड मार्क्स पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, और जो भी आपने यहाँ पर सब कुछ लिया उसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कॉपी कर लेना है। वीडियो को छोड़ देना, बाकी का सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। सिंपल से आपको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से लेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 5 लेयर कॉपी कर लेना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में इधर से आपको बैक आना है। उसके बाद में सिंपल से आपको इस वाली वीडियो पे आ जाना है जो आपने वीडियो ये वाली है। उसके बाद में लेयर पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ग्रुप एंड मार्क्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये जो वीडियो है वीडियो को भी अंदर आपको ले जाना है। सिंपल से आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से इस मार्क्स एंड ग्रुप पे आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे वो क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे आपको यहाँ पे अनग्रुप कर देना है कुछ इस प्रकार से। कर देंगे तो यहाँ पे सिंपल से आपका जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो सिंपल सा है यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुका है बनके। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस वीडियो को आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो दिन यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से बैक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा तो क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड आपकी जो वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एक तरह सा कमेंट भी कर देना। और जो इस पर मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो हमारे टेलीग्राम पे आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ सजेस्ट करना। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।